क्या आप लोग लग्जमबर्ग में वर्क वीज़ा चाहते हैं बगैर किसी पैसों के और बगैर किसी स्किल के बगैर किसी क्वालिफिकेशन के, और आप लोगों को सीवी का तरीका भी नहीं आता? तो ये वीडियो आपके लिए, एक ऐसी एजेंसी लेकर आया हूँ लग्जमबर्ग के हवाले से जिसमें आपको तरीक़ाकार खुद दिखाए हुए उन्होंने कि जब आप हमें सीवी भेजते हैं तो आपकी सीवी में ये पॉइंट्स होने चाहिए। सिंपल इज दैट, नॉट डिफिकल्ट। योर पास सीवी होगी लेकिन आपके ये पॉइंट्स हमें होंगे, वो भी समझाऊंगा आपको, और सीवी सेंड करना भी समझाऊंगा, जॉब्स भी दिखाऊंगा आपको एजेंसी के बारे में। वन ऑफ द बेस्ट एजेंसी, मैंने काफ़ी एजेंसी दिखाई है वीडियोज़ में, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एजेंसी दैट यू शुड अप्लाई एंड यू हैव टू अप्लाई राइट नाउ, राइट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो देखने के बाद आप लाजमी अप्लाई कीजिएगा। चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आपको मैं समझाता हूँ। कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आने के बाद आप यहाँ पर लिख देंगे माइकल, इसका लिंक मिल जाएगा आपको MICH है, लेकिन लिंक के अलावा मैं आपको समझा तुम सके कोई मसला ना हो। एंड टू एंड माइकल पेज लग्जमबर्ग लिख देंगे, इसको क्लिक कर देंगे, फर्स्ट वेबसाइट को ओपन कर देंगे आप। अब आप लोग माइकल पेज लग्जमबर्ग की ऑफिशियल एजेंसी के पेज पर आ चुके हैं। एक सेकंड में एजेंसी को हम समझ लेते हैं, इसको इसके ऊपर थोड़ी नज़र दौड़ा लेते हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप, तीन ऑप्शन है आपके पास, आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको, यहाँ पर आप अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के फायदे काफ़ी ज़्यादा है, आप लोगों के एम्प्लॉय होने के बाद, यहाँ पर रजिस्टर होने के बाद आपको काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं। सेंड सीवी कर सकते हैं आप, ये तो आपको बता चुका हूँ मैं। यहाँ पर आप रिक्रूटमेंट भी कर सकते हैं, ये आपके लिए, ये रिक्रूटर्स के लिए। ओके, अब ये तो बात यहाँ पर आसान बन दी कि भाई सेंड सीवी के ऊपर क्लिक कर दूंगा मैं। ओके, क्लिक कर दिया मैंने। यहाँ पर अभी मैं अपनी सारी सारी जो मालूम पूछ रही है डाल दूंगा, इसे सीवी सेंड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन 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 जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि आपने सीवी किस तरह सेंड करनी, सीवी किस कैसी आपकी होनी चाहिए, ये एजेंसी आपकी सीवी किस तरह मांगती है, इसकी अपनी हिदायत क्या है। अगर आप इस एजेंसी को इन एजेंसी के हिदायत के मुताबिक सीवी देंगे तो ये डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स भी देंगे, क्योंकि जब आप किसी को एक्सेस करते हैं मेरे भाई, तो उस एजेंसी उस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? उसके अकॉर्डिंग चलेंगे आप तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा पॉजिटिव, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे उससे कुछ भेज देंगे तो मसला हो जाएगा। इसलिए आपको मैं समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर आप कैंडिडेट के ऊपर रखते हैं ये इन्फॉर्मेशन एंड एडवाइस के ऊपर अगर आप माउस रखते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है एक ऑप्शन सीवी एंड कॉर्डिनेटर का, क्लिक कर देंगे इसके ऊपर। अब ये आपको समझाएगा, देख रहे हैं आप सीवी एंड कॉर्डिनेटर। अब यहाँ पर आपको समझाएगा कि 10 पॉइंट्स कौन कौन से हैं जो कि आपकी सीवी में होने चाहिए। ठीक है, ये देखें, सेंडिंग सीवी टू काउंटलेस रिक्रूटर्स एंड हायरिंग मैनेजर अवेटिंग 10 पॉइंट्स, 10 ऐसे पॉइंट्स जो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। 10 पॉइंट्स टू कंसिडर वेन राइटिंग योर सीवी, जो आप सीवी बनाते हैं तो उसमें 10 पॉइंट्स को जहन में रखें, कौन कौन से पॉइंट्स ये आपको सारे दिए हुए, देख रहे हैं आप। 10 पॉइंट्स मैं आपको जल्दी से बताऊंगा, बहुत जल्दी से। आपकी सीवी पर्सनलाइज फॉर्म में होनी चाहिए, उसमें स्टैंडर्ड सीवी फॉर्मेट टेम्पलेट कोई मसला नहीं करती आप। ठीक है, आपके स्किल्स, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज सारी इसमें अकॉर्डिंगली मैंशन होनी चाहिए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी सीवी की वो लाजमी लिखें, और टॉप ऑफ टॉप लिखें। ठीक है, अगर आपके पास कोई लैंग्वेज स्किल्स कुछ है तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। आपकी सीवी तकरीबन 2 पेज से ज़्यादा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखें। इसके अलावा डबल चेक करें अपनी सीवी को, कोई एरर हो गई, मिस्टेक हो तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये अच्छा। अब इसके अलावा जो कुछ और पॉइंट्स दिए हुए इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, देख रहे हैं अभी यहाँ पर, तो आपको मैं समझाना चाह रहा था। 10 पॉइंट्स टू चेक बिफोर सेंडिंग योर सीवी, सीवी सेंड करने से पहले आपने सीवी में कुछ पॉइंट्स चेक करनी है, कौन कौन से पॉइंट्स ये दिए हुए, देख रहे हैं आप। कीप इट शॉर्ट, नो मोर देन 2 पेज, 2 पेज से ज़्यादा सीवी आपकी नहीं होनी चाहिए। एक बात, अवॉइड अननेसेसरी पर्सनल डिटेल्स सच एज एज रिलीजन जेंडर, एज रिलीजन जेंडर, ये ऐसी चीज़ें की गैर गैर जरूरी चीज़ें हैं, इनको सीवी में मैंशन ना करें आप। ओके, डोंट राइट इन द फर्स्ट पर्सन, एज अ फर्स्ट पर्सन बात ना करेंगे आई लाइक टू बी अ बेटर, आई लाइक टू गेट अ जॉब एंड आई लाइक टू प्ले दिस गेम, आई लाइक, इससे आपने बात नहीं करनी, इसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन। आपने एक बात शुरू करनी है सेंटेंस, स्टार्ट सेंटेंसेस विद वर्ब्स, वर्ब्स से आपने बात शुरू करनी है कि कंपीट विद समथिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, इस तरह आपने वर्ब से अपना सेंटेंस शुरू करना है सीवी में। ठीक है, अपनी जो आपकी हिस्ट्री है, जो आपकी करियर हिस्ट्री, आपने जो काम किया है, आपको एक्सपीरियंस है, उसको आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, नहीं आपको जो रिसेंट एक्सपीरियंस है वो पे जाएगा बाद में फिर सर। अपनी अचीवमेंट, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लिख सकते हैं डिटेल के साथ, आपकी जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो भी आप लिखें,
नॉनवेज के ऑर्डर में अगेन आपकी जो कंप्यूटर की स्किल्स है, लैंग्वेज की स्किल्स है, रिलेवेंट ट्रेनिंग आपने की है वो ले सकते हैं आप इसमें। अपनी हॉबीज़ और इंटरेस्ट अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसको आपने सेक्शन को फेयरली शॉर्ट रखना है, उसको ऊपर फोकस नहीं करना। मैं समझते हैं, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लिखे ही ना। रेफरेंसेज कैन बी प्रोवाइड बाई अपन रिक्वेस्ट, कोई रेफरेंस भी आप दे सकते हैं कि भाई मैं इस डिपार्टमेंट या इस कंपनी में काम किया है। चेक पर टाइप एरर चेक करें और उसके बाद सीवी आप सेंड कर सकते हैं। ये तो आपको पता लग गया, आप समझ गए किस तरह सीवी आपकी होनी चाहिए, ठीक है, और सीवी में कौन सी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे हम, अब हम इनको सीवी सेंड करेंगे। ये करके आप नीचे आएंगे, एट द एंड आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सेंड योर सीवी, ये कर देंगे इसके ऊपर, ये कर दें इसके ऊपर। यहाँ पर आगे इसको इंग्लिश में कर दिया, इंग्लिश में कर दिया। अब करने के बाद सेंड योर सीवी, सीवी सेंड करेंगे। अब सेंड सीवी करने के से पहले फॉर्म दिया हुआ छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म, इसको हम डिटेल फिल करेंगे। ईमेल एड्रेस लिखेंगे यहाँ पर जो आपका वैलिड ईमेल एड्रेस हो, उसके बाद सिविलिटी मतलब आप मेल है या फीमेल है, ठीक है, आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। अब नीचे आपका फोन नंबर विद कंट्री कोड देगा यहाँ, प्लीज़ इंक्लूड योर कंट्री कोड इन एरिया कोड, अपना कंट्री कोड लाजमी मैंशन कीजिएगा। पाकिस्तानी है तो 92, इंडियन है तो 91। इन सिटी डू यू लिव, आपकी सिटी मेरे सिटी है, आपकी सिटी का नाम, आपके सिटी का पोस्टल कोड, ठीक है, आपके सिटी का पोस्टल कोड एट द एंड, एक मिनट, अच्छा उसका सिटी का पोस्टल कोड लिखना है। फिर आपने एडेंट, आपने यहाँ पर सीवी अपलोड करनी, सीवी आपकी पीडीएफ या और टीएक्सटी या वर्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए, और क्लिक कर देंगे सबमिट के ऊपर, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। समझ आ गया आपको मेरी बात, ये बात तो क्लियर हो गई यहाँ पर। अब आपको मैं दिखाऊंगा कुछ यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल हैं जो कि आप उनको जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं खुद ही, तो अभी बेहतर बात बन जाती है। अब ये देखें, अगर आप यहाँ पर शुरू में आते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है कि ब्राउज लुकिंग फॉर ए जॉब, तो ब्राउज और ऑफर्स, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ब्राउज और ऑफर्स के बाद कहे जो क्या क्या ऑफर्स इनके पास अवेलेबल है, क्या क्या जॉब्स इनके पास अवेलेबल है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने जॉब्स आ जाएंगी। अब इसके लिए बाकी आपको आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि पोजिशन टाइटल, आप कौन सी जॉब चाहते हैं, जो जॉब आपके आप चाहते हैं, जो आपके पास कुछ स्किल है, या आप जिस जॉब के लिए अपने आपको एलिजिबल समझते हैं, ड्राइवर हो गया, वेटर हो गया, कुक हो गया, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, जो भी, यहाँ पर आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद रीजन सिटी को आप छेड़ें ना, क्योंकि ये लग्जमबर्ग की एजेंसी है, तो ये वैसे एजेंसी तो है लग्जमबर्ग की सिर्फ नहीं, ये तकरीबन तकरीबन यूरोप के ज़्यादा कंट्रीज में काम करती है, ठीक है, लेकिन आप रीजन में लिखना नहीं, भी मसले की बात नहीं है। मिनिमम सैलरी की ऑप्शन दी हुई है, आप मिनिमम सैलरी कितनी चाहते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम सैलरी आपकी कितनी कितनी चाहते हैं आप, तो इसको भी आप छेड़ें ना, और ये सर्च के ऊपर आप लिख करके आपके सामने सारी सारी जॉब यहाँ पर आ सकती है। लेकिन जो जो सी फील्ड में इनके पास जॉब अवेलेबल है, जो सी फील्ड में लोग हायर करते हैं, वो कौन कौन सी, वो यहाँ पर दी हुई है, ये ग्रुप्स दिए हैं वगैरह, प्रोफेशन दिए हैं, प्रोफेशनल ग्रुप्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, अकाउंटेंट, डिजिटल मार्केटिंग, एच आर डायरेक्टर, रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट, एच आर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, कंप्लाइंस मैनेजर, कंट्रोलर, ऑफिस मैनेजर, सेल मैनेजर, इनमें इनके पास जॉब्स काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होती है। ये तो बात इसकी हो गई, ठीक है, और इस रसीद भी आप सेंड कर सकते हो, उसी में तरीके में बता दिया ऑलरेडी। तो मैं समझता हूँ मेरे भाई कि मैंने आपको ये अच्छी सी एजेंसी बता दी है जहाँ पर आप लोग खुद अप्लाई कर सकते हैं, सीवी को सेंड कर सकते हैं। तो सीवी सेंड करने से पहले जो 10 पॉइंट्स हैं मैंने आपको समझाए, उसको आप जहन में लाजमी रखिएगा, ठीक है। वीडियो को इसी यहाँ पर एंड करूँगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी, अगर आप इसे रिकॉर्ड चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, मुझे दीजिए, अल्लाह हाफिज़।